भाई तूने मेरी टूथब्रश देखी क्या? कौन सी? ये थी क्या, पिंक वाली? तू इससे क्यों कर रहा है? अरे क्या हो गया, बहनी तो मेरी और डीएनए भी सेम है, इतना तो चलता है। चलता तो है, लेकिन क्या टॉयलेट की भी चलती है? मतलब ये सुबह टॉयलेट में गिर गई थी तो मैंने वहीं रख दी थी, सोचा बाद में फेंकूंगी तब उठा लूंगी, पर वहां पे मिले ही। हेलो हेलो बहन, एक बार गेट खोलियो। भाई गेट तो खुला हुआ है। अरे मैं मेन गेट की बात कर रहा हूँ, मैं मेन गेट पे खड़ा हूँ। मेन गेट क्यों? और तू इतनी रात को बाहर क्या करने जा रहा है? और तू कोई बच्चा थोड़ी ना है यार, गेट खोल नहीं सकता। अरे मेरी माँ, मुझे बाहर जाना नहीं है, बाहर से अंदर आना है। भाई तू फिर पार्टी करके आया आज? बेटा मैं नहीं खोल रही दरवाजा। अरे प्लीज ऐसे मत बोल बहन, खोल दे प्लीज। जा है ना, वहीं बैठ के सो जा, और मेरे पास अभी दोबारा फोन किया ना तो मैं सीता पापा को बता दूंगी। अरे सुन तो ले, हेलो सुन। हो गई पार्टी? पार्टी तो हो गई, ये बता पापा सो गए क्या? नहीं, पापा भी पार्टी करने गए हुए। मतलब क्या, रात का 1 बजा हुआ, ऑब्वियसली सो गए होंगे। चल अंदर। तुझसे अच्छी केयर करने वाली बहन मुझे जिंदगी में मिल ही नहीं सकती। पापा मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी। आ गया तू? कहाँ था? वो पापा, एक दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गया था। अभी तो तू पार्टी का कुछ बोल रहा था। अरे नहीं, वो पहले दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, फिर उसकी ठीक होने की खुशी में हमने छोटी सी पार्टी कर ली। अच्छा, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई? नहीं नहीं भाई, मुझे तो लगता तबीयत खराब ही नहीं हुई थी। तुझे क्या पता, मैंने देखा था ना, तबीयत बहुत खराब थी उसकी। अच्छा जरा अपने दोस्त से बात करवाइयो, पूछियो अब तबीयत कैसी है। रात को फोन करना अच्छा होता है क्या किसी को? वैसे ही वो इतना बीमार है। अच्छा, रात को बाहर घूमना अच्छा लगता है पर फोन करना अच्छा नहीं लगता? अरे बाबा वो बीमार है ना इसलिए। अभी तो तू बोल रहा था ठीक हो गए। अरे तो फिर बीमार हो गया ना तो पंचायत लग रही है तेरे को बताऊं। चल सो जाके। बेटा मैं रात को इंसान में विश्वास नहीं करता, पर सुबह तेरी तबीयत मैं खराब करूंगा। बेटा तुझे क्या लग रहा है, कल रात के बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा? बदला तो मैं लेके रहूंगा, अब ये चाय का कप पीते ही तेरा पेट ऐसा खराब होगा कि तू पूरा दिन टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकलेगी। ये ले चाय पी ले। अरे वाह, आज ये चमत्कार कैसे, मेरे लिए चाय? अरे तो मेरी बहन है, इतना तो तेरे लिए कर ही सकता हूँ। कहीं मुझे मारने के लिए इसमें जहर तो नहीं मिला के लेके आ गया? देख ये बात तो सच है कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ, लेकिन जहर मेरा आखिरी ऑप्शन होगा। तू इसे एक बार पी तो सही, फिर सोचेगी इससे अच्छा तो जहर ही दे दिया होता। एक कमी नहीं है इसमें, चाय के साथ बिस्किट और होते तो मजा आ जाता। अभी लाया बिस्कुट? ऐसी बात कर रही है, एक मिनट रुक। वो बिस्कुट नहीं मिले, वो खत्म हो गए बिस्कुट। चल कोई नहीं, ऐसे पी लेते।
क्या पी ले तू भी? वो मुझे याद आ गया, बिस्कुट ऊपर रखे हैं, मैं भी लेके आता हूँ। थक गया। अरे पापा, आप ये चाय क्यों पी रहे हो? क्यों? ये तो इसकी चाय थी। पर मैंने तो पी ली, ये तो तुम्हारी है। हाँ, मेरी है चाय। तुझे चाय की क्या जरूरत है? कोई चाय नहीं मिलेगी, तो रात को पार्टी में पीने की आदत है ना, वहाँ पीना। मैं अभी आया। ये चूहा कितना प्यारा है, कितना मासूम है, इसे बिल्लियों के आगे छोड़ने का मन नहीं करता। हेलो, क्या बात कर रहा है? कैसे हुए? तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ले आऊँगा। क्या हुआ भाई? प्लीज बताना क्या हुआ, क्या पता मैं कोई हेल्प कर दूँ। अरे जो मेरा दोस्त है ना सागर, उसका कार एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड इतना निकल गया कि अब ब्लड बैंक से ब्लड लेके आना है, और मेरे पास पैसे नहीं, और पापा भी घर पे नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्या सागर का एक्सीडेंट हो गया? रुक, मैं कुछ करती हूँ। ये ले भाई, 10,000 है, अभी इतने ही है, बाकी अगर और कोई जरूरत पड़ी तो फोन कर देना, मैं बैंक से ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है। भाई क्या हुआ? भाई इतना खामोश क्यों है? बोल ना, क्या हुआ? सागर कैसा है? मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। क्या? मैं उसके पास खून लेकर टाइम में नहीं पहुंचा। मैंने अपने जान से भी प्यारा दोस्त खो दिया। तू क्यों चला गया सागर मुझे छोड़ के? वापस आ जा मेरे दोस्त। अरे तूने बुलाया और मैं आ गया। भूत भाई, सागर का भूत भाई, ये जरूर हम दोनों से, ये अपना खून लेने आया भाई, कुछ कर भाई, हमें मार दे। अरे अरे, कौन भूत? मैं सागर ही हूँ। और संजू, ये ले अपना फोन, पार्टी के जोश में यही नहीं पता तेरा फोन कहाँ था। पार्टी? अब तो गया बेटा, अब तो नहीं बचेगा। आ जा, क्या हालत रहे? मैं बढ़िया भाई, तू बता कोरज कहाँ? सुबह सुबह तैयार होकर पक्का रवीना के लिए गिफ्ट लेने जा रहा होगा, राखी जो है। कहाँ है यार तू भी? बहन नहीं, दुश्मन हो मेरी। अरे नहीं यार, ऐसे मत बोल। क्या ऐसे मत बोल, पूरा दिन तो मेरे साथ लड़ती रहती है। अरे तो क्या हो गया, भाई बहनों में इतना तो चलता है। हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा, चल निकल यहाँ से, यही बताने आया था क्या? आया बड़ा। चल USB में गाने सुन सुन के तो बोर हो गया हूँ, आज FM सुनता हूँ। गुड मॉर्निंग दिल्ली। तो आज के रक्षाबंधन स्पेशल मसाला मॉर्निंग में मैं हूँ आरजे शिवांगी, पूरी दिल्ली के साथ। पूरा देश रक्षाबंधन मना रहा है, तो आप भी बच के रहिए, कहीं कोई राह चलती लड़की आपको भाई ना बना जाए। मस्ती टाइम नहीं, ये है टॉक टाइम, वो भी दिल्ली की प्यारी बहनों। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की कुछ लड़कियों से, और जानते हैं उनके विचार उनके प्यारे भाइयों के बारे में। तो आज का पहला कॉल किया जाता है मिस रवीना को। गुड मॉर्निंग रवीना, तो कैसा चल रहा है?
भाई को राखी बांध दी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो भाई बाहर गया हुआ है। ठीक है रवीना जी, तो अब आप अपने भाई के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा भाई, उसका नाम संजू है। आज मैं जो भी उसके बारे में बताऊंगी शायद उसे कभी पता ना चले, पर मैं जो भी बोलूंगी अपने दिल से बोलूंगी। मेरा भाई वैसे तो मुझसे हर बात पे लड़ता रहता है, कभी रिमोट के लिए, कभी चिप्स के पैकेट के लिए, मतलब हमेशा बोलता है बस हो गया तेरा। उसे हर बात पे भाना चाहिए लड़ने के लिए, पर वैसे उसकी हर लड़ाई में प्यार छुपा होता है। जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी तो मेरे से पहले कॉलेज में पहुँच के जो भी मवाली टाइप लड़के थे वो सबको पीटने लग गया था, ताकि वो कभी मेरे साथ बदतमीजी ना करे। हर दिन पैसे दे दे कहने वाला राखी पे मेरे सबसे महंगा गिफ्ट ला के देता है। कभी मुझे रात को नींद नहीं आती तो खुद जग के मुझे हंसाता है। मेरे चक्कर में गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कराता है और फिर आके मुझसे कहता है मैंने अपनी फ्रेंड का नंबर दे देना। माँ नहीं है मेरी, पर फिर भी वो माँ के हर फर्ज निभाता है मेरे लिए। सच कहूँ तो मैं उसके बिना अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकती। थैंक्स संजू मेरे लाइफ में होने के लिए। आई लव यू सो मच भाई। थैंक यू। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है ना आज राखी है। ओए जानवर, क्या हुआ? कुछ नहीं, तो फटाफट राखी बांध, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? क्या हो गया तुझे? अच्छा तू एफएम पे क्या बोल रही थी? वो तो मैं बस ऐसे फेंक रही थी। फेंक रही थी? अच्छा झूठ बोल रही थी। खुशियाँ तेरी खुशियाँ दी विच खिलती रहूं।